नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल NDS जॉब एंट्री में। आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो वैकेंसी आई थी उसका, जो पिछले 2018 की जो भर्ती चल रही है उसकी, जो मेडिकल होना है, जो कैंडिडेट पास हो चुके हैं उनका मेडिकल होना है और मेडिकल की डेट भी फिक्स हो चुकी है। दोस्तों मेडिकल की डेट आ चुकी है पूरी, हम जानकारी आपको बताएंगे एक प्रूफ के साथ बताएंगे। दोस्तों कोई भी धोखाधड़ी वाला चैनल नहीं है, आपको एक नंबर चीज मिलेगी हमारे यहाँ पर। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम टाइम टू टाइम डेली एक न एक वीडियो नई नई लाते रहते हैं दोस्तों गवर्नमेंट जॉब के बारे में। अगर आप भी पाना चाहते हैं सबसे अच्छी जॉब के बारे में अपडेट, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को, बताते हैं आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो मेडिकल की डेट है कहाँ आई है, कैसी डेट है, कौन सी डेट है, किस डेट को होगा, पूरी जानकारी विस्तार रूप से आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखिए, एंड में हम और भी जानकारी आपको विस्तार रूप से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ। तो इस पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आई है, यहाँ पर आप देख रहे हो कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, नहीं पुरानी नोटिफिकेशन पड़ी हुई है, लेकिन एक अमर उजाला के अखबार में वहां पर भी आ चुका है और बहुत सारे न्यूज चैनल के जो वेबसाइट है उन पर भी आ चुका है। तो उन्होंने बोला है कि अगले महीने की लास्ट डेट में आपके मेडिकल चालू हो जाएंगे और आपके मई में, मई के लास्ट वीक और जून के फर्स्ट वीक में आपकी ज्वाइनिंग होनी है। तो जैसे दोस्तों ये आपकी एक अमर उजाला खबर की, अखबार की जो खबर है, चयनित सिपाहियों की ट्रेनिंग 29 अप्रैल से, तो 29 अप्रैल 2019 से आपकी ये ट्रेनिंग होने वाली है। यहाँ पर देखिए, सिपाहियों में भर्ती जनवरी 2018 के तहत चयनित 41,520 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण दो चरणों में कराया जाएगा। पहले चरण में नागरिक पुलिस के 30,520 सिपाहियों को प्रशिक्षण 29 अप्रैल से और दूसरे PSC के 18,000 अभ्यर्थी का प्रशिक्षण जो है 11 नवंबर से कराने की योजना है। तो आपका ये दो शिफ्ट में आपका ये ट्रेनिंग होगी, जो दूसरे PSC वाले उनका नवंबर में होगा और जो सिविल पुलिस वाले हैं उनका आपका 29 अप्रैल से ये आपकी मेडिकल चालू हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हो आप, प्रशिक्षण निदेशालय के एक अधिकारी के को माने तो प्रशिक्षण क्षमता कम होने से इसे दो भागों में बांटा गया। मतलब जो आपके ट्रेनिंग सेंटर खुल मान लो, मतलब अभी खाली नहीं हुए, या ये मान लो ट्रेनिंग, ये मतलब कैंडिडेट की जो मतलब संख्या है वो ज्यादा है, तो ये आपकी इसीलिए दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहले चरण के लिए 29 अप्रैल से कुल स्थायी और अस्थायी 84 केंद्र पर प्रशिक्षण शुरू हो रहा है और यह प्रशिक्षण 29 अक्टूबर तक समाप्त होगा। तो अक्टूबर तक समाप्त होगा, इसीलिए अक्टूबर नवंबर में फिर ये आपका दूसरा जो PSC वाला प्रशिक्षण है वो मतलब जारी होगा। तो 12 दिन के अंतराल के बाद 11 नवंबर से दूसरे चरण के लिए PSC के 18,000 सिपाहियों को प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। मतलब जो है, निदेशालय ने सभी केंद्रों के प्रशिक्षण के लिए समय सारणी भेज दी है। वर्चुअल क्लास की व्यवस्था को दोबारा ट्रायल कर लिया गया है। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यूपी के अलावा CISF RTC देवली राजस्थान और CISF मुंडाली जो उड़ीसा में 14 से रंग रूट प्रशिक्षण किए जाएंगे। मतलब यूपी के जो ट्रेनिंग सेंटर है उनके अलावा आपको CISF के भी सेंटरों पर भेजा जाएगा। मालूम हो गए, सिपाही भर्ती 2018 का अंतिम चयन परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने जो 18 फरवरी को जारी कर दिया था, इसमें नागरिक पुलिस में 23,520 अभ्यर्थियों में से 4704 अभ्यर्थी महिला थी, जिनमें से इसके लिए 14 जनवरी 2018 की भर्ती शुरू हुई थी। तो ये आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपकी पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी है दोस्तों कि आपके 29 अप्रैल से तो आपकी ये सिविल पुलिस की मेडिकल मतलब ज्वाइनिंग आपकी अप्रैल लास्ट था, मई के फर्स्ट में आपकी ज्वाइनिंग होनी है, ये बोल रहा है आपका ये वाला नोटिस। और जैसे वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन आएगी उसको विस्तार रूप से हम बताएंगे। और जो बचे हुए PSC वाले उनकी 11 नवंबर से मतलब 11 नवंबर से उनकी ट्रेनिंग होनी है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। दोस्तों अगर आप और अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और राम राम।